तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने खतरनाक तबाही मचाई है। इन दोनों देशों में अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कई देश सीरिया बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़कर वापस लौट रहे हैं। रविवार को इसराइल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम हत जाला ग्रुप को इमरजेंसी फ्लाइट से वापस बुला लिया। इससे पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी अपने बचाव दलों को तुर्की से निकाल लिया था।